हेलो बच्चों, ये देखिए हम अपनी जीके की वीडियो में आज क्या पढ़ने वाले हैं। हम अपनी जीके की वीडियो में पढ़ने वाले हैं आज वाटर एनिमल्स। क्या पढ़ने वाले हैं? वाटर एनिमल्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वाइल्ड एनिमल्स। लर्न है ना आपको सारी स्पेलिंग्स? 10 वाइल्ड एनिमल्स पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे हमने? आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर एनिमल्स। जलीय जानवर, जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं ना, उन्हें हम वाटर एनिमल्स बोलते हैं ना। पानी मीन्स पानी की इंग्लिश वाटर, एनिमल मीन्स जानवर, पानी के जानवर। जो पानी में जो जानवर पानी में रहते हैं उन्हें हम वाटर एनिमल बोलते हैं। तो चलिए हम पढ़ाई करते हैं कौन कौन से होते हैं वाटर एनिमल्स। ये देखो, सबसे फर्स्ट पिक देखो, ईल। क्या है ये? ईल, डबल ई एल, ई ई एल, ईल। ईल मीन्स होता है वामन मछली, लेकिन आप इंग्लिश में ही पढ़िए, ई ई एल, ईल, डबल ई एल। कितनी सीधी सिंपल सी स्पेलिंग है ना, फटाफटा से जल्दी जल्दी लर्न हो जाएगी। चलिए, ई ई एल, डबल ई एल, ईल। उसके बाद सेकंड पिक देखो, क्रैब। इसको हिंदी में बोलते हैं केकड़ा। क्या बोलते हैं? केकड़ा। और इसकी स्पेलिंग होगी सी आर ए बी, क्रैब। क्रैब मीन्स केकड़ा। थर्ड देखो, एफ आई एस एच, फिश। फिश मीन्स मछली, ये तो सबको पता है। उसके बाद देखो, मनाती। क्या है ये? मनाती, एम ए एन ए टी डबल ई, मनाती। मनाती भी ये पानी में रहने वाला एक जानवर है। उसके बाद देखिए, सील, एस ई ए एल, सील। ये भी पानी में रहता है, एस ई ए एल, सील। उसके बाद डॉल्फिन। ये किसकी पिक है? डॉल्फिन की, डी ओ एल पी एच आई एन, डॉल्फिन। ठीक है, उसके बाद देखो नीचे, शार्क। क्या है? सबसे बड़ी मछली शार्क मछली होती है, एस एच ए आर के, शार्क। ये हाथी को भी खा सकती है। उसके बाद देखो, ऑक्टोपस। क्या है? ओ सी टी ओ पी यू एस, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस की बहुत सारी ऐसे, उसकी बहुत सारी भुजाएं होती है ना, उसके 8 आर्म्स होते हैं। उसके बाद देखिए, सी हॉर्स। क्या है ये? लास्ट वाला सी हॉर्स, एस ई ए सी एच ओ आर एस ई, हॉर्स। सी मीन्स होता है समुद्र, हॉर्स मीन्स होता है घोड़ा। ये भी पानी में रहने वाला एक जानवर है बेटा, सी हॉर्स। और ये इसका फेस जो है ना, ये कुछ घोड़े की तरह फेस होता है, इसकी वजह से इसको हम सी हॉर्स बोलते हैं, यानी कि समुद्री घोड़ा। एक बार आप दोबारा से देख लीजिए, डबल ई एल ईल, सी आर ए बी क्रैब, एफ आई एस एच फिश, एम ए एन ए टी डबल ई मनाती, एस ई ए एल सील, डी ओ एल पी एच आई एन डॉल्फिन, एस एच ए आर की शार्क, ओ सी टी ओ पी एस ऑक्टोपस, एस ई ए एच ओ आर एस ई सी हॉर्स। कौन कौन सा हमने लर्न किया? चलो फिर से, ईल, क्रैब, फिश, मनाती, सील, डॉल्फिन, शार्क, ऑक्टोपस, लास्ट सी हॉर्स। अब देखो एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी है, ए क्वेश्चन पूछ रहा है, हमको आंसर देना है, इसको टिक कर देना है, जो सही है उसी को टिक कर देना है। विच सी एनिमल लुक्स लाइक अ हॉर्स, कौन सा समुद्री जानवर घोड़े की तरह दिखाई देता है? मैंने आपको भी बताया था ना, कौन सा दिखाई देता है? सी हॉर्स दिखाई देता है या फिर डॉल्फिन? सी हॉर्स। तो हम कहाँ पर टिक कर देंगे? सी हॉर्स पर। अब बी देखो, विच सी एनिमल हैज़ 8 आर्म्स, कौन से सी एनिमल पर उस सी एनिमल समुद्री जानवर के पास 8 भुजाएं होती हैं? 8 हैंड्स किसके पास होते हैं? क्रैब के पास या फिर ऑक्टोपस के पास?
ऑक्टोपस के पास, किसके पास? ऑक्टोपस के पास। तो हम क्या टिक करेंगे? ऑक्टोपस को। लर्न हुआ ना बेटा आपको ये सब? आप स्पेलिंग लर्न कर लो और अपनी कॉपी में भी लिख लो। बाय बाय, टेक केयर।